हर हर महादेव। जैसे लोग बाल बनवाते हैं, कटिंग करवाते हैं, सेव करवाते हैं, मुंडन करवाते हैं, तो इसमें क्या क्या निषेध है, किन किन बारों में निषेध है, किन तिथियों में बाल नहीं बनवाना चाहिए, कौन से नक्षत्र वर्जित हैं, तथा किन किन लग्नों में क्या क्या फल हैं, इनको आप देखें, सुने, समझें और अनुकरण करें। देखिए, रवौ दुखम सुखम चंद्रे कुजे मृत्युर्बुधे धनम मानम हंति गुरोर्वारे शुक्रे शुक्र क्षयो भवेत् शनौ च सर्वदोषा स्युः क्षौरम अत्र वर्जये क्षौरमत्र विवर्जये। कर्मलोचन नाम का ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है। रविवार में बाल बनाने पर रवौ दुखम, दुख की प्राप्ति होती है, सुखम चंद्रे, सोमवार में सुख की प्राप्ति, कुजे मृत्यु, कुज यानी मंगलवार में मृत्यु से संबंधित यानी मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, बुधे धनम, बुध में धन की प्राप्ति, मानम हंति गुरुवारे, गुरुवार में मान की हानि होती है, शुक्रे शुक्र क्षयो भवे, शुक्रवार में बाल बनवाने पर शुक्र का क्षय होता है, वीर का क्षय होता है। कहीं कहीं शुक्रवार में जो है एकादश कबीर दद्यात, 11 महीने की आयु बढ़ जाती है शुक्रवार में बाल बनाने पर, यह भी लिखा हुआ है। शनौच सर्व दोषा स्यु, शनिवार में समस्त दोष कहे गए हैं, शौरम अत्र विवर्जये, इसलिए इन इन दिनों में शौर नहीं करना चाहिए। इसका देखिए सामान्य अर्थ समझिए, मुख्य रूप से समस्त शास्त्रों के वचनों की एक वाक्यता करते हुए दो दिन तो विशेष निषिद्ध है सभी के लिए, अर्थात शनिवार और मंगलवार के दिन बाल बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। और अब बचा रविवार, सोमवार और ये जो है आपका गुरुवार, इनमें जो है मध्यम है, बनवा सकता है। बुधवार और शुक्रवार ठीक है, इनमें बाल बनवाया जा सकता है। कहीं कहीं यूं समझ लीजिए सोमवार और बुधवार सही है, या शुक्रवार, इनमें बाल बनवाना चाहिए। अब देखिए तिथि भी वर्जित है, क्या है कि षष्ठ्यष्टमी पंचदशी उभे पक्षे चतुर्दशी अत्र सन्निहितं पापं तैले मांसे भगे छुरे। देखिए बहुत सुंदर श्लोक है, ध्यान दीजिएगा। षष्ठी के दिन, अष्टमी के दिन, पंचदशी यानी पौर्णिमासी के दिन, और इसी से जो है अमावस्या भी ले लेंगे, अमावस्या के दिन उभे पक्षे चतुर्दशी, ये सब दोनों पक्षों की ली जाएंगी, और चतुर्दशी तिथियां, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी और षष्ठी तिथि में बाल नहीं बनवाना चाहिए। और क्या क्या नहीं करना चाहिए, अत्र सन्नीतम पापम, इन दिनों में, इन तिथियों में, इतनी चीजों में पाप रहता, कहाँ कहाँ, तैले मांसे भगे छुरे, तैल में, तिल का तेल भी सेवन लगाना और खाना नहीं चाहिए, मांस जो मांस लोग खाते हैं वो इन दिनों में कम से कम वर्जित करें। ये जो है नियम या विधि नहीं है, ये परिसंख्या है, इसमें मांस के संबंध में ये कभी समझाएंगे आपको। और भगे यानी स्त्री संबंध भी नहीं करना चाहिए, वहाँ भी पाप रहता है इन तिथियों में। और क्षुरे यानी क्षुरा में, केश कर्तन में, तो इन तिथियों में ये कार्य वर्जित कर देना चाहिए, तैल, मांस, स्त्री सेवन और छौर कर्म यानी बाल कटवाना, बनवाना, मुंडन इत्यादि, ये सब वर्जित करना चाहिए इन तिथियों में। तो ये तिथि की बात हुई, कुछ नक्षत्र भी परिवर्जित करना चाहिए। रोहिण्या, रोहिण्यांच विशाखायां मैत्रे चैवोत्तरासु च मघायां कृत्तिकायांच द्विजयी क्षौरं विवर्जये। रोहिण्याम, रोहिणी में, विशाखायां, विशाखा तिथि में, और उत्तरासु, तीनों उत्तरा में, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, इन तीनों उत्तरा में, मघायां, मघा नक्षत्र में, कृत्तिकायां, कृत्तिका नक्षत्र में, द्विजयी छोरम विवर्जये, इसमें
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को जो है मुंडन इत्यादि बाल बनवाना नहीं चाहिए, ये नक्षत्र वर्जित कर दिए गए। इसी तरीके से जो है लग्नों का भी फल बतलाया गया है। शौरे तुमे से ज्वर पित्त पीडाम ब्रसे च पुष्टिम मैथुने च विद्या रोगम फलम कर्कटके ददाति प्राणाभिघातम जनयेच्च सिंहे कन्याम तु भोगम बल पुष्टि मेधा स्तुला तु रोगान्विता करोति अक्षयामयम बुद्धि बलापहानिम मंदाग्निकोपम तनुया दलिश्च। ये देखिए, मेष लग्न में बाल बनवाने से ज्वर होता है और पित्त का प्रकोप होता है, वृष में पुष्टि, मिथुन में विद्या की प्राप्ति, कन्या में जो है रोग की प्राप्ति, सिंह में प्राणनाश, कन्या में भोग बल और पुष्टि की प्राप्ति होती है, तुला में अनेक रोग होते हैं, वृश्चिक में नेत्र रोग होता है और बुद्धि बल की हानि होती है, पेट रोग होता है, धनु में बुद्धि की प्राप्ति होती है और मकर में सौख्य धन लाभ होता है, कुंभ में बल वृद्धि धन लाभ होता है, कहीं कहीं कुंभ लग्न को निषेध भी किया गया है और मीन लग्न में दृष्टि पुष्टि तुष्टि की प्राप्ति होती है। इस तरीके से कुछ लग्न निषिद्ध हैं और कुछ लग्न ग्राह्य हैं। ये लग्न तो आप जानते ही हैं, दिन में दो दो घंटे की लग्न होती है प्रतिदिन, इनमें ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो अब ये बतला रहे हैं क्या कि नाखून काटने का भी कोई मुहूर्त होता है? हाँ, नाखून काटने का भी मुहूर्त होता है। देखिए, येषु येषु प्रशंसन्ति क्षौर कर्म महर्षयः तेषु तेष्वेव संशन्ति नख दंतादि लेखनम्। कह रहे हैं कि जो जो समय क्षौर कर्म के लिए बतलाया गया है अच्छा श्रेष्ठ, वही समय नाखून काटने के लिए भी है। इसी में नाखूनों का दांतों का कार्य करवाना हो किसी को, नख दंतादि लेखनम, ये सब कार्य इसमें करवाना चाहिए। इन्हीं समय में नाखून काट सकते हैं, इन्हीं समय में ये जो है ये कार्य कर सकते हैं। जैसे कि अब इस तरीके से अगर समय देखें तो ये निषेध का जो समय है इसका परिवर्जन करना चाहिए। यदि कोई कहे भैया ये निषेध क्या है, हम तो इन निषेध दिनों में ही कर लेते हैं, हम तो कब से कर रहे हैं, इसमें करने से क्या होता है? अर्थात निषिद्ध दिनों में बाल बनवाने से, नाखून काटने से, निषिद्ध दिनों में जो है स्त्री प्रसंग करने से क्या प्रतिफल होता है, क्या कुफल होता है, वो सुनिएगा। देखिए, कृत्वात् मैथुनम क्षौरम यो देवांस्तर्पयेत् पित्री रुधिरम तद भवेत्तोयम् दाता च नरकम् व्रजेत्। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक है। कृत्वात् मैथुनम क्षौरम, जो मैथुन निषिद्ध दिनों में मैथुन करके, निषिद्ध दिनों में क्षौर बनवा करके देवांस्तर्पयेत् पितरींस्तर्पयेत् देवताओं या पितरों का तर्पण करता है, तो रुधिरम तद भवेत्तोयम्, वो तो या वो जल रुधिर के समान हो जाता है। अर्थात यदि कोई निषिद्ध दिनों में क्षौर कर्म, निषिद्ध दिनों में स्त्री प्रसंग करता है तो उसके हाथों से देवता या पितर लोग अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। और दाता च नरकम व्रजेत, और वो देने वाला, वो ये कर्म करने वाला व्यक्ति भी नरक में जाता है। और देखिए, निषिद्ध तिथि बारादौ भोजनानंतरम च यः क्षौरम करोति तद्गेहे नाशनन्ति पितरः स्वरा। ये भरद्वाज महर्षि का वचन है। वे कहते हैं कि निषिद्ध तिथि, निषिद्ध बार, और जो भी समय निषिद्ध किया गया उस समय में, तथा भोजनानंतरम च यः, भोजन करने के बाद, क्षौरम करोति, जो व्यक्ति क्षौर करता है यानी बाल बनवाता है, तो तद गेहे उसके घर में पितरः स्वरा न अश्नन्ति, देवता पितर लोग कुछ भी खाते पीते नहीं है। ये सब परिवर्जन कर दिया गया। और देखिए, कोई कहते हैं कि हमने जो है
विशेष बात है, ध्यान दीजिए। आजकल लोग जो मृत्यु हो जाती है किसी के परिवार में, तो पहले दिन बाल नहीं बनवाते हैं, माने जो करता है उसको पहले दिन बाल बनवाना चाहिए, और जो भी अनुयायी हैं उनको दसवें दिन बाल बनवाना चाहिए। तीन दिन में ही सब उठा करके समाप्त कर देते हैं, ये निषेध है। वो उठावनी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब कृत्य तीन दिन में ही समाप्त कर देते हैं। कुछ पंडित लोग भी करवा देते हैं, ये वर्जित है। दसवें दिन समस्त परिवार वालों को बाल बनवा करके और वो क्रिया जो है बारहवें दिन होनी चाहिए। दसवें दिवसे छौरम बांधवानांच मुंडनम क्रिया कर्तु सुतस्यापि पुनर्मुंडनम आचरे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दसवें दिन भाई ये है गुरुवार है, दसवें दिन एकादशी है, ये तिथि है, ये वार है, तो उसमें बाल कैसे बनवाएंगे, मना करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से मरने का कोई मुहूर्त नहीं होता, व्यक्ति कभी भी मर सकता है, कभी भी जन्म सकता है, इसका कोई मुहूर्त नहीं है। इसी प्रकार जब मृत्यु हुई उसी दिन जो संस्कार करेगा उसके बाल बनेंगे, और वो संस्कार करेगा फिर जिसने संस्कार किया है वो संस्कर्ता तथा और भी समस्त परिवार वाले लोग दसवें दिन जो है बपन कराएं, मुंडन कराएं, चाहे कोई तिथि हो, चाहे बार हो, नक्षत्र हो, कुछ भी निषिद्ध हो, वो वचन बलात् होगा दसवें दिन ही, उसमें ये निषिद्ध नहीं देखा जाएगा। क्रिया कर्तु सुतस्यापि पुनर् मुंडन आचरे, उसको भी ये मुंडन करवाना चाहिए। तदा शोकम परित्यज्य कारयेत् मुंडनम सुतः समस्त बांधवैः युक्तः सर्व पापापनुत्तये, समस्त पाप की निवृत्ति के लिए, क्योंकि वो केशों में आकर के वो अशुद्धि और पाप आकर के निवास करने लगता है, इसलिए मुंडन अवश्य ही करवाना चाहिए। उस समय जो मुंडन नहीं करते हैं तो उन्हें वो भी किसी भी कर्म करने का अधिकार नहीं रहता है। इसलिए क्रियांच कुरुते यस्तु तद्दिने तस्य मुंडनम और लघी यसाम तदा दशा हेतु पुत्राणाम बपनम स्मृतम, उनका दशा दिन मुंडन बपन अवश्य होना चाहिए। इस तरीके से ये शास्त्रों में विधान है ना। बपनम यो न कुरुते सूतके दशमे हनि मृतौ वा पितरस्तस्य मज्जन्ति नरके सह। अगर कोई दसवें दिन, देखिए दसवें दिन पहले कर लिया, चौथे छठे सातवें दिन ही कर लेते हैं लोग, तो ये निषिद्ध है, या बाद में करते हैं या नहीं करते हैं, तो उनके लिए विशेष वचन है, ध्यान देवे। बपनम यो न कुरते सूतके दसवें यानी जो जो है मृत्यु के बाद है ना, अगर दसवें दिन कोई मुंडन नहीं करवाता उनका अनुभावी जन परिवार वाले लोग, तो मृतौ वा पितरस्तस्य है ना मज्जन्ति नरके सह, तो जो पितर मरे हैं उनके साथ में और जिन्होंने नहीं कराया है वे दोनों नरक में गिरते हैं साथ साथ, आप भी जाएंगे और जो मृत हुए हैं वो भी जाएंगे। ये शास्त्र वचन कह रहे हैं, हमारा कोई भी इसमें एक भी शब्द नहीं है। देखिए मृतौ वा पितरस्तस्य मज्जन्ति नरके सह, वे नरक में जा करके गिरते हैं, इसलिए इससे ये स्मृति समुच्चय का वचन है, इसमें शास्त्रों का वचन है, छौरादर्श ग्रंथ में लिखा हुआ है, इसका पालन अवश्य ही होना चाहिए, निषिद्धों का परिवर्जन करना चाहिए। देखिए कि अब निषेध बहुत हैं, अगर किसी दिन बाल बनवा रहे हैं तो उस दिन ऐसी तिथि आ गई या बार आ गया, लोग बारों का विचार प्रायः कर लेते हैं, नक्षत्रों का विचार नहीं करते हैं। चलो नक्षत्रों का भी विचार करें, लग्न ऐसी होगी, फिर दिशा बतलाई गई है कि पूर्व की ओर मुंह करके या उत्तर की ओर मुंह करके ही बाल बनवाना चाहिए, दक्षिण की ओर मुंह करके बाल नहीं बनवाना चाहिए। अब कई प्रकार के निषेध हैं, तो इन निषेधों से कैसे बचा जाए, और अगर कोई अपराध हो गया हो अभी तक या आगे होने की संभावना हो कि इतने निषेध हैं हम इतना नहीं देख सकते, हर व्यक्ति इतना नहीं देख सकता, तो निषेधों से बचने का क्या उपाय है वो हम आगे बतलाएंगे, उसको अवश्य सुने। हर हर महादेव।